भगवान के गुणगान करते हुए भी कभी ये भाव नहीं कर पाते कि हमें भगवान के इस तरीके के गुण हमारे अंदर भी आए और हमें भी वो गुण मिले जो भगवान ने प्राप्त किए। सभी पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान जैसी क्षमा धारण करने की इच्छा कितने लोग करते हैं? कितने लोग भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करते हुए महसूस करते हैं कि हमें भी आपकी तरह बिल्कुल ऐसे ही क्षमावान बनना है कि कोई भी अगर हमारे ऊपर कितनी भी गालियां दे, कितना ही हमारा शरीर छलनी छलनी कर दे, तो भी हमें सोचना भी नहीं कि इसने ऐसा किया है। इसको बोलते हैं उत्तम क्षमा। उत्तम शब्द जो लगा है ना, वो बहुत ही लास्ट स्टेज के लिए है, सुप्रीम फॉरगिवनेस इसी को बोलते हैं। उस उत्तम क्षमा जिसमें कि अगर कोई हमारा शरीर भी नष्ट कर दे तो भी हम उसके बारे में क्षण भर भी विचार ना करें कि इसने बहुत मेरे साथ अन्याय किया है, गलत किया है, मेरा दुश्मन है, नथिंग एल्स। वो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी संपत्ति हमारे पास में है, हमारा ज्ञान हमारे पास में है, हमारी चेतना हमारे पास में है, दूसरा हमारी चेतना तक अपने हाथ पहुंचा ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपकी चेतना को छू सके सिवाय आपके, सुन रहे हैं? तो उसी चेतना का यह धर्म है क्षमा धर्म।